बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया कि एक दफ़ा फिर आप बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आप लोगों को जो गुज़िश्ता 10 रोज़ की पेशावर पुलिस की स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ जो कार्रवाई है उससे आगाह करना मकसूद है। और मैं इस मौके पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता 10 रोज़ के अंदर पेशावर पुलिस ने जो मोबाइल स्नैचिंग और डकैती समेत दीगर जराइम में मुलव्वस 17 लोगों को हमने गुज़िश्ता 10 रोज़ में गिरफ़्तार किया है। और सिग्निफिकेंस बजरिया प्रेस कॉन्फ्रेंस बताने की ये है कि ये एक अगेन एक तरफ जो है बैनसूबाई ग्रोह है जो कि न सिर्फ ये कि यहाँ से मोबाइल फोन्स को छीनना और फिर उनकी IMEI चेंज करना और उनको अफगानिस्तान स्मगल करने वाला जो गैंग है उसके 4 मुख्तलिफ गैंग्स उनके 17 लोगों को हमने गिरफ़्तार किया है। और न सिर्फ ये कि ये लोग यहाँ से मोबाइल फ़ोन्स छीन के और अफगानिस्तान स्मगल करते थे बल्कि कराची से जो छीने गए मोबाइल फ़ोन्स हैं उन मोबाइल फ़ोन्स के यहाँ पर वो रिसीवर्स भी थे और फिर उसकी जो IMEI है वो चेंज करके और फिर स्मगल करके अफगानिस्तान भेजते थे। सो मजमू तौर पे हमने 4 ग्रोहों के 17 तकरीबन जो दरिंदे हैं उनको गिरफ़्तार किया है और उनके कब्ज़े से जो मोबाइल फ़ोन्स हमें बरामद हुए हैं उनकी तादाद है 172 और जो उनके साथ इसके अलावा जो रिकवरी हुई है वो 17 लाख रुपये से ज़ायद की रकम भी इनके कब्ज़े से हमने रिकवर की है। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इनके साथ 17 लोगों में कुछ IT एक्सपर्ट्स भी हैं जो IT एक्सपर्ट्स इनकी जो IMEI नंबर्स हैं उनको चेंज करके और फिर उसको लेते तो उनका हमने जो चेंजिंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इक्विपमेंट जो है वो भी डिस्प्ले पे हमने आपके लिए लगाया है जिसको आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ 14 अदद उनकी स्क्रीन्स भी हैं और वो सारी चीज़ें आपको अभी डिस्प्ले में दिखा भी देंगे और इसके अलावा जो मुलजमान हैं उनको भी आप देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ जैसे कि आप गेम में हैं गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आपसे आपके सामने इस अज़्म का इरादा किया था कि हम सबसे पहले कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस बहादुर और गयूर और शहदा की और गाजियों की जो फोर्स है पेशावर पुलिस उसके अंदर अगर कोई काली भेड़े शामिल हो गई हैं जिनके अपने कोई ज़ाती मजमूम नज़ाइम हैं और वो पेशावर पुलिस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने अपने जो एक्शंस हैं उनके खिलाफ उसका सिलसिला जारी रखे हुए हैं। और इसी सिलसिले में आपके इल्म में आया होगा कि कल हमने एक सर्विंग SHO जो कि हमारे एक नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में तैनात था उसको उसके कांस्टेबल बेटे समेत गिरफ़्तार किया है जिनके कब्ज़े से 13 किलो से ज़ायद हीरोइन की जो कंसाइनमेंट है जो कि पंजाब स्मगल की जानी थी वो भी बरामद की है। और इसके अलावा अगर कोई भी ऐसे साथी हैं हमारे पुलिस की वर्दी में मलबूस जो कि जराइम पेशा अनासर की किसी भी तरीके से सरपरस्ती करते हैं या उनके साथ शामिल हैं उनके खिलाफ हमारी कार्रवाइयाँ जारी हैं। आज वाले भी इन 17 लोगों में से जो एक अदद हमारा पुलिस का कांस्टेबल है जो कि थाना गर्वी में तैनात था वो इस ग्रोह के साथ मोबाइल स्नैचिंग समेत रिसीविंग में शामिल था। और न सिर्फ ये कि उसके ख़िलाफ़ हम जो कानूनी कार्रवाई है वो भी कर रहे हैं और महकमाना कार्रवाई करके उसे फौरी तौर पर मुअत्तल भी कर दिया गया है और जो इंसबाती कार्रवाई है वो भी स्टार्ट कर दी गई है। आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो सर थोड़ा सा बताइए आपने कराची का जिक्र किया कराची में क्राइम स्क्रीट का मैसेज ज़्यादा है सर ये लिंक कराची के साथ आपने दिया है क्या कराची की वारदातों के हवाले से कितना इंसाफ है दूसरा 17 लोगों में अफवानी कितने सर ये अफवान नेटवर्क इसमें सर क्या ये जो बेसिकली जो नेटवर्क्स हैं वो पेशावर बेस्ड नेटवर्क्स हैं ठीक है और इसके अंदर जो है वो ज़्यादातर हमारे यहाँ के पेशावर के शहरी शामिल हैं और जो हमारा पुलिस का कांस्टेबल है उसका ताल्लुक भी यहीं से है और उसका नाम है इमरान बल मोमिन। कराची से जो ताल्लुक इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि बेसिकली जो कराची से मोबाइल फ़ोन्स छीने गए हैं उन मोबाइल फ़ोन्स को यहाँ पर ये खरीदते थे और उसके बाद उसकी IMEI चेंज करके और अफगानिस्तान में तीन तीन फ़ोन्स हैं उनको वहाँ पर स्मगल कर दिया जाता था ताकि कल को अगर वो मोबाइल फ़ोन्स पाकिस्तान में किसी नेटवर्क सर्विसेज में किसी ट्रैकिंग पे लगे हुए हैं तो उसकी कोई दोबारा से रिकवरी का कोई वो चांस ना बन सके। सर आज कल सेवर को रेजनी में अरेस्ट किया गया है कल इस जो को एवेंस बर्मिन में और परसों भी एक सेवर को एवेंस बाई करने में गिरफ्तार किया गया था क्या वजह सर कि पुलिस बैंक में बहुत ज़्यादा आ रही है जिस
दूसरी बात ये कि इनके खिलाफ कोई मुकदमा भी चलाया जाता है या सिर्फ मुलाजमत से बर्खास्त किया जाता है? और तीसरी बात सर, पुलिस में आर्मी की तरह कोई इंटेलिजेंस निज़ाम है? बिल्कुल इंटेलिजेंस का निज़ाम है, और उस तरह जो भी हमारी सिक्योरिटी ब्रांच या स्पेशल ब्रांच से हमें जो इत्तलात मिलती हैं या आईबी से हमें जो इत्तलात मिलती हैं कि हमारे कोई ऐसे मुलाजमीन हैं जो कि इस किस्म की किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ न सिर्फ ये कि डिपार्टमेंटल कार्रवाई की जाती है बल्कि कानून के मुताबिक उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो भी की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने तस्करा किया कि जी परसों एक कांस्टेबल को हमने गिरफ्तार किया था, तो सबसे पहले हमने उसके खिलाफ जो रेलेवेंट सेक्शन ऑफ लॉ में FIR बनती है वो थाने में कंसर्न थाने में रजिस्टर की है, और उसके साथ साथ डिपार्टमेंटली जो है वो भी हम प्रोसीड कर रहे हैं, और जो भी डिपार्टमेंटल कार्रवाई होगी नौकरी से बर्खास्त की गई या कोई और सज़ा वो भी उसे उसके साथ लाजमी तौर पर दी जाएगी। सर, हम 10 देख रहे हैं 10 दिन से माशाल्लाह आप आपकी टीम में पुलिस पर बहुत ज़्यादा काम कर रही है, तो डेटा सर आपने बताया कि हमारे हुकूमी तौर पर POs कितने हैं, तौर जो है वो भी बहुत ज़्यादा थी, इस हमारे से क्या डेटा सकते हैं? POs की लिस्टें बिल्कुल हमारे पास बनी हुई हैं जो मुख्तलिफ केसेस में हमें जो इश्तहारी मुलजमान दरकार हैं, और मैंने आने के बाद, और ये तरीका कहा है पहले भी होती थी, और मैंने आने के बाद एक दफ़ा फिर अपने जो SHO साहिबान हैं उनको सारों को वो जो मुलजमान हैं इश्तहारी या मफरूरान हैं उनकी फ़्रेश लिस्टें जो हैं उनके तकरीबन 4,000 के करीब लोग हैं वो अरसाल की हैं, और एक हम स्पेशल कैंपेन भी, क्योंकि ये हमारा रोज़मर्रा का काम भी है लेकिन इसको एज अ स्पेशल कैंपेन भी हम चलाने जा रहे हैं, जिसके तहत अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कोई शख्स इस तरह की किसी वारदात में इश्तहारी है या मफरूर है तो उसको न सिर्फ ये कि गिरफ्तार किया जाएगा बल्कि उसको कानून के मुताबिक सर, सर ये बताइएगा 17 ग्रोह गिरफ्तार हुआ है, बहुत बड़ा ग्रोह, इनका आपस में कैसे लिंक बना है, ये शहर की बजाय रूरल एरिया में क्यों रेजनिंग की वारदातें करते हैं? दूसरी बात यह है कि कल प्रोविंशियल असम्बली में अफगान ताजरों के हवाले से बात हुई है, अफगान ताजरों को उठाया जा रहा है, अवॉइड किया जा रहा है, उसके हवाले से 17 मुल्क हैं इनका तारुफ, जिस मजमू तौर पर 17 हैं, 4 मुख्तलिफ ग्रोह हैं जिनको मजमू तौर पर 17 लोग। दूसरी बात, आपने वो अफगान ताजर वाली की है, इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं। मैं आज उस मौके से मिला हूँ, मेरे ऑफिस में मुलाकात हुई है, हमने उनसे तफसीलात हासिल की है। इसमें जो पुलिस की थोड़ी सी लिमिटेशन है वो ये है कि जब इस तरह की कोई वारदात हो जाती है तो अमूमी तौर पे लोग, चूँकि बाज़ूकात खतरा होता है कि जी जो अगवा के लोग हैं वो ये कहते हैं कि जी आपने अगर पुलिस को इतला दी तो हम आपके मौलवी को जान से मार देंगे, तो इस केस में भी इसी तरह से हुआ है कि हमें पुलिस को इसकी जो मालूमात थी उससे लाइन रखा गया, तवक्के के रैंसम दे के जो कि पंजाब के एक ज़िले में रैंसम अदा हुआ है और वहाँ से वो उसको लेकर आए हैं, बट उसके बावजूद आज मैंने उनसे मुलाकात भी की है, जो ज़रूरी तफसीलात हैं वो भी ली हैं। इस मौके पे मैं आवाम से ये दरख्वास्त करूँगा कि अगर कोई इस तरह की वारदात या कोई इस तरह का वाकया उनके साथ पेश आता है तो प्लीज़ आगे बढ़ें, अगर आप समझते हैं कि आपको किसी किस्म के खतरात हैं तो हर पुलिस स्टेशन के ऊपर सब डिवीज़न में DSP साहब मौजूद हैं, डिवीज़न में SP साहिबान मौजूद हैं, मैं बैठा हूँ, CCPO साहब बैठे हैं, तो बराए मेहरबानी हम पे ट्रस्ट करें और आके हमसे वो मालूमात शेयर करें ताकि हम उसके ऊपर अपनी वर्किंग कर सकें, क्योंकि अगर आप पुलिस को लाइन रखेंगे और जो कोई कॉल्स आ रही हैं या उसमें किसी किस्म की मदद पुलिस से नहीं लेंगे, सो मच हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं देंगे, तो इसमें फिर हमारी जो ऑप्शंस हैं वो बड़ी लिमिट हो जाती हैं, तो इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, पोस्ट इंसिडेंट काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी जाहिर सी बात है चूँकि हमें तफसीलात जो हैं वो बहुत बिलेटेड स्टेज पर दी गई है, तो उनके साथ मुलाकात में भी हमने उनको यही कहा है कि अगर खुदाना खास्ता इस तरह की कोई वारदात होती है या वाकया होता है प्लीज़ हमसे रब्ता करें और हमें बताएं, इंशाल्लाह हम पूरी पूरी उसके अंदर मदद करेंगे और इसके ऊपर किसी किस्म की किसी को कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। सर ये बताएगा तो ये जो 17 अपराध गिरफ्तार हुए क्योंकि महंगाई में इजाफा हो गया है, आइस के नशे में इजाफा हो गया है, हर जगह छोटे मोटे गिरफ्तार हैं, जराय में बहुत इजाफा देखने में आएगा, इस सर ऐसी किसी के साथ एक सवाल है कि खुसूसन पुलिस अहलकार जो है स्ट्रीट क्राइम में मुलविस हो रहे हैं, उस तरफ आ रहे हैं, वजूहात क्या है इसका? सर इमरान मुहारी के सवाल के साथ मैं बोल रहा हूँ, उत्तर का ये हकीकत है कि पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है खासकर स्ट्रीट क्राइम, लेकिन देखने में ये आया है कि जब भी ईद करीब आती है तो 3 दिनों में
हर किसी की ज़रूरत जो होती है वो वरना एक बढ़ जाती है। तो अभी भी ईद पहली बार ये क्या इसके लिए कोई खसूसी प्लान बनाया गया है, अगर बनाया तो क्या? मैं दोनों तीनों क्वेश्चन दोनों पर करते हुए, देखें पुलिस की कार्रवाइयाँ बहरहाल अगर पुलिस के जवान या कॉन्स्टेबल्स इसमें मुलव्वस होंगे वो भी जारी रहेंगी, या जो आम शहरी अगर इस तरह के किसी वाक़यात में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ़ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। और जहाँ तक ताल्लुक है, देखें बेसिकली पुलिसिंग और ये सिर्फ एक फैक्टर है इस सारी सूरत हाल के अंदर, मजमूई तौर पे अगर देखा जाए तो उसमें बहुत सारे मजीद फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं जो कि इस तरह की सूरत हाल का जिसका हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन बहरहाल चूँकि हमारा ताल्लुक पुलिसिंग से है और हम अपने ही रिस्पॉन्स के ऊपर इसको फोकस रखे हुए हैं, और जहाँ तक आपने कहा कि जी ईद करीब आ रही है, हमने खसूसी तौर से स्पेशल डिप्लॉयमेंट की है जी, जो क्योंकि जाहिर सी बात है ईद कुर्बान में आपको पता है कि लोग मवेशियों की ख़रीदारी के लिए मवेशी मंडियों का रुख करते हैं और मोस्टली जो वो अपने साथ लेके जाते हैं वो कैश लेकर जा रहे हैं, उस पर भी हम बेसिकली टू साइड्स वो कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने दो जो व्यापारी हजरात थे उनके ऊपर हमने केसेस रजिस्टर किए हैं, क्योंकि एक साहब उनमें से 25 लाख रुपए जो है वो अपनी मोटरसाइकिल के पीछे स्टैंड पे शॉपर में अपनी बैग के अंदर रख के लेके जा रहे थे। देखें ठीक है, जिस तरह के हालात हैं, गुर्बत है और मामलात हैं, उसमें इस तरह की दावतें गुनाह देना किसी को ये भी कोई मतलब दानिशमंदी नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हमें भी कुछ थोड़ी सी एहतियात करने की ज़रूरत है, पुलिस अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं, उसके साथ डिप्लॉयमेंट भी हमने बढ़ाई है, पेट्रोलिंग का भी जो है वो इजाफा कर रहे हैं, स्नैप चेकिंग्स का भी इजाफा कर रहे हैं, और ऑन टॉप ऑफ इट अगर कोई ऐसा हमारा मुलाजिम कॉन्स्टेबल हेड कॉन्स्टेबल या ऑफिसर इस किस्म के किसी ग्रोह की कुछ बनाई में मुलव्वस है, न सिर्फ ये कि उनको बेनकाब कर रहे हैं बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं और जो महकमाना कार्रवाई है वो भी कर रहे हैं, और अल्लाह ने चाहा तो इससे यकीनन मस्बत नतीजे आएंगे और हम पेशावर शहर को, पेशावर के रहने वालों के लिए इंशाल्लाह एक बेहतर शहर के तौर पे देखेंगे, और इसमें आप तमाम लोगों का ताबुन हमें हर वक्त दरकार होगा, और जो ताबुन आप हमारे साथ कर रहे हैं उसके लिए मैं आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और इसी बाहमी ताल्लुक की बुनियाद पर और हमारी मेहनत के नतीजे में अल्लाह पाक हमें इंशाल्लाह इस मिशन में कामयाब करेगा।